हम साइट सीइंग आज दार्जिलिंग के टू व्हीलर्स में करेंगे, देखते कैसे मजे ले पाते भाई हमारी गाड़ी की। सो गाइस हम निकल रहे हैं अभी हम नेपाल मार्केट। ये मेहुल का गाड़ी है ZR और ये मैं और भी कलर है यामा M2। चलो आज साइट सीइंग करते हैं टू व्हीलर में। ये पैसे बर्बाद। तो ये रेंज रोवर का भाई ये देख लो स्टीयरिंग व्हील इंटीरियर, ये स्टीयरिंग व्हील इंटीरियर भाई सबसे पहली रेंज रोवर है, पहली रेंज रोवर है एकदम। फिर भी 30 लाख रुपया मांग रहा है। 30 लाख रुपए देखो इसका, ये देखो नीचे का भाई, गियर तो देखो चालू यूज करता है। तो हम पहले कहां जाने वाले? अभी हम लोग है ना सब पूरे साइट सीइंग करेंगे। पर कहां पहले कहां जा रहे हम लोग? पहले कहां जा रहे? नेपाल मार्केट जा रहे हैं। नेपाल मार्केट जा रहे पहले? नहीं रे नहीं भाई, नेपाल नेपाल बॉर्डर जा रहे क्या अपन? अरे भाई नेपाल मार्केट किधर है? नेपाल मार्केट एवडा लाम 30 किलोमीटर। नेपाल मार्केट नहीं जा रहे हम, नेपाल मार्केट जा रहे। चलो 30 किलोमीटर गाड़ी चला रहे मैं कभी कुछ चला। तो गाइस ये देखो हम बाइक में घूम रहे, ये अनुपम गाड़ी चला रहा है यो। और ये सामने मेहुल और चिंतामणि है अपना ट्रैवल मैनेजर नरेंद्र भाई दुड़े आगे जा रहे हैं अप्रैल में। और ये पीछे है बुलेट वाले अपने बुलेट पे घूम रहे ले। गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं नेपाल मार्केट और वहाँ पे जाके मतलब नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करने वाले यो! नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करने वाले मस्त, नेपाल के तारों के नेपाल में तारों के नीचे से जाने वाले हम लोग। 30 किलोमीटर यहाँ से नेपाल बॉर्डर, तो अभी तक हमारा 2 किलोमीटर ही हुआ है। तो देखते हैं कैसा रहता है सफ़र टू व्हीलर पे। देखो रो गाइस ये रोड है और रोड के बाजू में ट्रेन लाइन है, तो यहीं से ट्रेन जाती है। चल भाई आराम से चल, कोई गाय नहीं। ट्रेन की लाइन ट्रेन की लाइन ट्रेन की लाइन। यहाँ पे रोड्स और ट्रेन साथ में ही चलते हैं हम लोग दोस्त है ना दोनों, चुक 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 करते करते जाएंगे दोनों। ट्रेन आ रही कि नहीं भाई? राइड अपनी ये नहीं है, एम्प्टी नहीं है भाई, नॉन गियर है अपनी। कैसे जा रहा है भाई खतरनाक, उसका हेलमेट निकल गया। हेलमेट निकल गया तो गाइज अभी हम लोग सूखी पहुँचे, सूखी पोखरा समथिंग जगह का नाम है। तो अभी तक बहुत 10-15 किलोमीटर है नेपाल बॉर्डर पहुँचने के लिए शायद, इस तरह स्टॉप ले रहे। डंगे बने गाड़ी चला रहा यो। किसका? हाँ स्ट्रीट का ले रहा भाई, मस्त स्ट्रीट्स तो कह रहा है, स्ट्रीट्स ऑफ पुणे लग रहा है इसे, पासपोर्ट लग रहा हमारा। उधर तो पासपोर्ट है भाई, इधर बोर्ड ही बोर्ड है भाई, इतना बोर्ड है कि कुछ बोल भी नहीं सकते। चलाएगा भाई, सब गाड़ी चलाएगा, एफटी चलाएगा, एप्रिका चलाएगा, सब चलेगा, सगड़ी गाड़ी वास्ता।
नहीं होता वो शूटिंग में, लग रहा ये पुष्पा भाई जंगल तो देखो भाई, बाम्बू ट्रीज तो देखो, और ये रोड्स तो गाइस हम लोग हाफ रास्ते पहुंच गए, ये देखो नेपाल बॉर्डर 0 किलोमीटर, नेपाल बॉर्डर है ये, नेपाल बॉर्डर 0 किलोमीटर। तो बहुत मजा आ रहा राइड करके गाड़ी, अभी मेहुल एमटी चलाएगा। तो गाइस अभी मैं एमटी चलाने वाला हूँ, अभी इतना देर में एमटी चला रहा था, लग रहा है मुझे नहीं बताना, हमको नहीं जानना है तेरा कैसा लग रहा है। हाँ पैसे दिले की भारी वाटती बैठ रहा हूँ। नहीं 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 चल घर पे जा, घर पे जा, सीधा इधर से पुणे आता है। तेरा भाई पूरी गाड़ी चुकाएगा, पूरी गाड़ी चुका चुका के चलाएंगे। ये देखो दो घंटे पीछे अपने तो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए नेपाल, नेपाल बॉर्डर में, अभी हम लोग नेपाल एंट्री कर गए, नेपाल के गेट पे हम लोग अभी। तो हम लोग 30 किलोमीटर ड्राइव करके आ गए नेपाल में। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, 30 किलोमीटर ड्राइव करके। अरे का अंदर वो मीन्स आने का, इधर आने का जो था ना, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया नेपाल वालों को। ये देखो वेलकम टू नेपाल, इंटरनेशनल ट्रिप हुआ है तुम लोग का। गाइस ये रहा मेरे पीछे नेपाल बॉर्डर, यहाँ से हम लोग अभी पशुपतिनाथ ना, पशुपतिनाथ मार्केट में जाने वाले, वहाँ पे शॉपिंग करने वाले, देखते कैसा लगता है वहाँ पे शॉपिंग करके, क्या क्या मिलता है।
फर्स्ट टाइम नेपाल आए, दार्जिलिंग से डायरेक्ट नेपाल घुसे हम लोग 30 किलोमीटर. सोचा नहीं था हम लोग नेपाल भी घूम लेंगे, इंटरनेशनल ट्रिप होगी भैया मेरी डायरेक्ट. चलो फिर निकलते अभी, कार लिया है चल भाई, तो अभी कार लिया है. सो गाइस चल के आना है तुमको. सो गाइस सर अंदर. सो गाइस हमने अभी कार लिया है. ओ मशीन पर मारुति ओमनी ऐसा लग, किडनैप हो रहे हम लोग ऐसा लग रहा है. मारुति ओमनी में हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर. इंटरनेशनल ट्रिप ब्रो, इंटरनेशनल ट्रिप ब्रो. कैसा लगा? बढ़िया लगा. नेपाल में आगे अभी हम लोग भी नेपाल ही बोलेंगे. इसमें तो नेपाली नहीं दिख रहा. नेपाली तो इधर बैठा है. नेपाली नहीं दिख रहा. मार्तिल भाई पकड़ो. तो गाइस अभी हम लोग गाड़ी से उतर गए और पशुपति मार्केट पहुंच गए क्या? हाँ, ये पशुपति मार्केट है गाइस, आप देख ये पशुपति मार्केट है नेपाल में. तो देखते कुछ शॉपिंग करते और बहुत मजे करेंगे. यही है क्या मार्केट? ये तो मार्केट भाई, इसको बैग अवार्ड ले. यहाँ पे बैग का शॉपिंग चल रही है. कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है ये. मैमी लिया है. बैग का शॉपिंग चल रहा है अपने मम्मी और बहनों के लिए. बहनों के लिए और मम्मी के लिए शॉपिंग चल रहा है इसके पास. ये देखिए और ये दो मेरा है और ये हमने भालूड़ी लिया है. अरे ये यहाँ लगेगा. अच्छा लग रहा. ले लो. में एक डॉगी मिला है. वाह क्या क्यूट है. हाय कैसा लगा शॉपिंग करके? तूने क्या लिया? मैंने मॉम के लिए पर्स लिया. तूने क्या लिया? मैंने भी दीदी के लिए दोनों पर्स लिए. और उसके लिए क्या लिया? तूने क्या लिया? मैंने भी मम्मी के लिए पर्स लिया है. मैंने भी. और तूने उसके लिए क्या लिया? उसके लिए लेने का है. तो गाइस मैंने भी मेरे मम्मी और बहन के लिए दो पर्स लिए. गाइस मैंने भी दो मेरे एक बहन और एक मम्मी के लिए पर्स लिया. बस हो गया. कीवी कितना है? कीवी का ये आधा किलो करो. हां आधा किलो. कीवी 150 रुपए किलो. ड्रैगन 300 रुपए किलो. गाइस हमें दे देगी काय खाना नहीं कौन ठीक है. कीवी कीवी नहीं वो 200 का. फ्रूट खा रहे. फ्रूट घर पे तो कभी बैठे नहीं फ्रूट लेने. हाँ आज बैठ रहे. नहीं वो अभी फैमिली मैन. नहीं वो फैमिली मैन हो गया ना. फैमिली मैन हो गया अभी. हाँ वो खाना पीना बनाता है भैया. हाँ मास्टर सेफ चमरो प्रसाद भाऊ मास्टर सेफ भाई. निकल. भाई पूरा द एंड हो जाएगा भाई. सामने वाले का धारे भाई. नहीं रख अंदर रख दे. धारे धारे भाई तो कोई था गैंग बाकी भाई थे कोई था गैंग. कितने लगे चल गए? कितने भाई? बस 1400. हां हैवी है वैसे. ओरिजिनल है गांव में बना है. हां वो हैवी कितने जबरदस्त. सर 600. हां बगू एक कर बोले 100 कर. थैंक यू. 600 दस का है ना इधर. ये भाई मेरे पे क्या है? मेरे पे नहीं करने का भाई. सब घूम रहे हैं नेपाल मार्केट में. जो चाहिए नहीं वही ले रहे हैं. कुछ पशुपति नगर जॉर्डन बॉर्डर नास्ती अदर के जूते. जॉर्डन भाई येड़ा कर दिया जॉर्डन ने पूरा पूल. मतलब पागल हो गए जॉर्डन के पीछे. नाइकी ने जब से जॉर्डन निकाला जॉर्डन. सही रखते छेदू. नहीं लग रहा है खतरनाक लग रहा है. विचित्र लग रहा है भाई. देखो बेटी मेरा नुक्ता.
रास्ता कितना भी खराब हो लेकिन उसमें से गाड़ी जाना चाहिए। देखो बेटी, देखो बेटी, हम लोग गाइस घूम रहे पशुपतिनाथ मार्केट। लहसुन कुछ मिला नहीं इधर, और लहसुन खरीदा भी नहीं हमने कुछ। हाँ सिर्फ ये जो जो बैग लिया बस फैमिली के लिए, फैमिली के लिए कुछ नहीं, हमारी खुद की शॉपिंग तो कुछ हो ही नहीं रही। हम लोग दार्जिलिंग मार्केट में करेंगे अभी, हम वहीं पे सही है। हाँ दार्जिलिंग में मॉल रोड है, वहीं से हमको शॉपिंग करनी पड़ेगी। अच्छी अच्छी चीज़ें वहीं मिलेगी, यहाँ पे तो नहीं मिलेगी मेरे को लग रहा कुछ, तो वहीं से करके सब शॉपिंग अपने लिए थोड़ा बहुत ले लिया। हाँ इतने पर इसलिए नेपाल पे है हम लोग इसलिए कर ले। और भाई कैसा ना दार्जिलिंग आया और नेपाल का ट्रिप हो गया हमारा, दार्जिलिंग नेपाल और सिक्किम, सिक्किम तीन और गैंगटॉक, अभी गैंगटॉक हमारा हो गया नेपाल घूमते हो गया हमारा बड़ा, तो हम अभी जा रहे हैं इधर। तो इधर ये गलत फहमी में मत आना कि सस्ता है, बहुत महंगा इधर ना भाई। इधर हमारा चार बैग चार उधर के हो गए भाई, इधर की कितना उड़ता है और सब इंडियन करेंसी चल रहा है ये भी, मतलब दोनों चलते हैं यहाँ पे, इंडियन भी चलता है और वो भी चलता है, तो मिनिमम लोग इंडियन मिक्स यूज करते हैं। और ये देखो निकल रहे हैं हम लोग, थैंक यू धन्यवाद लिखा हुआ है और निकल रहे आप लोग नेपाल बॉर्डर छोड़। ये क्या है ये चॉपस्टिक, मैं चॉपस्टिक ले रहा हूँ। चॉपस्टिक जो हो गया है नेपाल मार्केट घूम के। ये देखो थैंक यू लिखा है, हम निकल रहे अभी एग्जिट कर रहे नेपाल बॉर्डर। बाय 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 गाइस, मिलते हैं हम आपको अभी दार्जिलिंग में वापस। दार्जिलिंग में जा रहे हैं हम अभी, हम गाड़ी से जाने वाले टू व्हीलर से वापस, अभी दो चार पॉइंट बाकी है तो वो हम आपको कंप्लीट करके वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सो मिलते हैं जल्दी दार्जिलिंग में, बाय बाय बाय। तो गाइस ये है चेक पॉइंट नेपाल बॉर्डर का, यहाँ से चेक करके यहाँ से नेपाल एंट्री करते और यहाँ से ही एग्जिट करते नेपाल के लिए। तो चलो निकलते चेकआउट करते, यहाँ पे पुलिस वगैरह मिलिट्री खड़े हैं, यहाँ पे सब चेक करते आईडी कार्ड्स वगैरह, फिर ही एंटर करने देते नहीं तो रिटर्न भेज देते। हम तो टू व्हीलर से आए थे, टू व्हीलर हमने वहाँ पार्क कर दिया था और टू व्हीलर वहाँ पार्क करके हमने यहाँ से चलते चलते गए नेपाल बॉर्डर तक। अंदर शॉपिंग भी हमने चलते चलते किया और ये है रहा नेपाल बॉर्डर का एंट्री चेक पोस्ट बोलते हैं, जहाँ पे सब मिलिट्रीज होते हैं। जहाँ ये देखो मेहुल को बस नज़र लग गई, सब पीता है मेहुल, हमने पौवा देख रहा हूँ इधर आज पौवा बाटली में मिलते इधर ले रहा क्या, ये तो मैं ले रहा हूँ क्या ये बड़ गए पर ही गए रशियन वाली ना, रशियन वाली हाँ ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है रशियन वाली। हाँ अच्छा ऐसा वो नहीं क्या, अरे नाला था तो उसका पैर ये हो गया थोड़ा तो क्रैम्प लग गया। देख गेचर मस्त फालतू बड़बड़ चला विचार बहुत मस्त है। तो आपको एक मस्त गाड़ी दिखाता हूं, चलो अंदर आ जाओ, एक मस्त गाड़ी दिखाता हूं, इधर आ जाओ गाड़ी। हां ओ लैंड रोवर, जूनी लैंड रोवर कैसी लग रही है, बहुत पुरानी लैंड रोवर है। तो गाइस हम लोग इतने देर गाड़ी चले कि हम लोग अभी थोड़ा रुके एक होटल में और थोड़ा लंच करने के लिए रुके, तो अभी हम लंच करेंगे, लंच करके हम घूम बोल के एक प्लेस है वहाँ पर घूमेंगे, तो वहाँ पे दो तीन पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, तो सब कुछ देख के फिर हम लोग अपने होटल के लिए जाएंगे। तो ये होटल में जहाँ पर हम लोग लंच करें इसका व्यू देखिए, होटल से रेस्टोरेंट से व्यू है ये। तो गाइस हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च में फ्राइड राइस वो खा रहे हैं, थुप्पा इसको देखो, इसको तो भीड़ो निकलना ही नहीं बस खाना है। हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च कैसा है, बहुत सही है, चटनी अच्छी है, बहुत तीखा है, बहुत स्पाइसी है, कैसी है पिकोटे। अभी हम लोग आए घूम मॉनेस्ट्री भी देखने, मोंटेसरी मोंटे क्या घूम
मॉनेस्ट्री देखने। तो गाइज हम लोग सेकंड व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं, ये है बतासिया लूप। तो ये बतासिया लूप देखने हम आ गए, यहाँ से पूरा दार्जिलिंग दिख रहा है भाई। यहाँ पे देखो रेलवे ट्रैक भी है, बतासिया लूप के बीच में से रेलवे ट्रैक। तो ये है बतासिया लूप, इसका हिस्ट्री मुझे पता नहीं, हिस्ट्री क्या है इसका? हाँ नरेंद्र, नरेंद्र क्या हिस्ट्री इसका? प्लेस वो नेम ऑफ ऑल गोरखा सोल्जर्स, ओके, या वॉरियर्स, अच्छा, एक्सपायर्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ओके, इसलिए इसका जगह का नाम बतासिया लूप बना कि उनको सब श्रद्धांजलि दिया है। यस तो गाइस इतने लोग वर्ल्ड वॉर टू में गुजर गए थे, ये सब इतने सबके नाम लिखे, डेट वेट सब लिख के दिया, उनका क्या सर्विस नंबर था, सीरियल नंबर, क्या ऑपरेशन किया, क्या कर रहे थे, कौन सा ऑपरेशन, कहाँ थे वो लोग, तो इस पे सब दिखाया गया, यहाँ पे वो सब इंफॉर्मेशन दी गई है। आई लव दार्जिलिंग। तो अभी हम लोग घूम रहे बतासिया लूप में, तो यहाँ से दिखेगा आपको आई लव दार्जिलिंग, ये एक दो तीन, ये आई लव दार्जिलिंग, यहाँ से आगे पूरा दार्जिलिंग दिख रहा है व्यू देखो। तो गाइज ये है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, यहाँ पे ऐसे आर्ट बनाते, कैसे आर्ट, यहाँ से ट्रेन घूमती है ऐसे, वो दीदी सर को ना, ये है जापानीज टेम्पल, हम लोग जापानीज टेम्पल पे आए, ये लिखा है जापानीज टेम्पल, क्या बोलते हैं इसको, जापानीज टेम्पल, नहीं नहीं प्लेस का नाम क्या है, इधर देख, बस इधर देख, चुप चुप, मैं उल्टा रुक, उधर से प्लेस का नाम क्या है, क्या है, पीस पकोड़ा, पीस पकोड़ा, ये पीस पकोड़ा और बुद्धा टेम्पल ऊपर है, जापानीज टेम्पल ले ले, अच्छा ओके, सो दैट इज पीस पकोड़ा एंड देयर इज बुद्धा टेम्पल, मींस जापानीज टेम्पल। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं पीस पकोड़ा देखने, पकोड़ा नहीं पकोड़ा, पकोड़ा ऊपर देखते क्या है पीस पकोड़ा, पीस पकोड़ा एक बुद्धा की मूर्ति है शायद, तो चलो हम चढ़ते ऊपर, नीचे उल्टा सीधा, व्हाट अ सनसेट। तो देखो गाइस पीछे सनसेट भी हो रहा है, और है बौद्ध जी का मंदिर, देख के तो वैसे ही लग रहा है, अरे मंदिर नहीं वो, तो उनकी सिर्फ मूर्ति है, हाँ तो वही ना मंदिर मूर्ति है कि वो, मंदिर हो सकता है, हाँ। तो गाइस हम दार्जिलिंग के मॉल रोड में आए थे, यहाँ पे मस्त कॉन्सर्ट हो रहा है दार्जिलिंग के मॉल रोड में, इसमें चाय पीने, दार्जिलिंग का फेमस चाय पीने, यहाँ का फुल गोल्डन टिप्स में चाय पीने, फुल मस्त आ रहा है, ऊपर चलते, ऊपर चलते हैं। ये दार्जिलिंग का सबसे फेमस चाय का दुकान है, 1933 में एस्टेब्लिश हुआ था ये, तो यहाँ से गोल्डन टिप्स का आपको, अरे गोल्डन टिप्स के रेस्टोरेंट से आपको व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखो ये व्यू देखो गोल्डन टिप से, पूरा दार्जिलिंग दिख रहा है, अंधेरा हो गया पर अभी पूरा दार्जिलिंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो गाइस हम लोग आए गोल्डन में, चाय पीने, बहुत ठंडी है,
मेन्यू है ये गोल्डन ड्रिप्स का था ना पहले दे दिया था उसने। हाँ जी नहीं वही है गोल्डन ड्रिप्स का है क्या? ओके सर टी कौन सा बेस्ट है सर? टी कौन सा सर? दार्जिलिंग टी है। चाय चाय पीना है हमने, ये गोल्डन टिप्स वाला ये वाला लिया है स्पेशल सैफ्रन चाय। चार लोगों का चाय 550 रुपए चार लोगों का। अमीर बन गया हम। अमीर 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 सबसे बड़ा अमीर तो हमारे इधर है अंबानी। अंबानी ये अंबानी टू। अरे क्या अंबानी कुछ और ये अंबानी थ्री। वो तो सबसे बड़ा अमीर है भाई। वो तो सबसे बड़ा भाई 2 करोड़ का वाड़ा है भाई। अभी दिखेगा आपको क्या नहीं दिखेगा पता नहीं, बट इधर से बहुत ऑसम लग रहा है सब। गोल्डन टिप्स ने चाय पीवा है वैसे हमें लोगों को। क्वालिटी तो बहुत भारी रहेंगे इसलिए आया अभी। 1933 में बना मतलब कितना है पूरे दार्जिलिंग में 550 के तो हम लोगों ने सिर्फ चाय ली है फिर आगे कुछ नहीं मंगाया। फट गयो ये सर डाल दीजिए। फर्स्ट फ्लश मीन्स क्या होता है? फर्स्ट फ्लश इधर थिन होगा पतला होगा। ओके सेकंड फ्लश स्ट्रांग। ये स्ट्रांग है क्या? हाँ जी ये तो मिल्क की है। अच्छा वो ब्लैक की है। ओके ओके तो भाई लोग 550 रुपए की चाय है भाई। ये देखो 1 कप 2 कप 3 कप 4 कप 550 चीनी डाल भाई उसमें पहले चीनी डालनी पड़ेगी। मैं तो बोला भाई चीनी डालो। सो गाइस हम जब चीनी डाल रहे उसके बाद आपको बताएंगे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पत्ती की शॉपिंग कर रहे हैं। 500 रुपए की चाय तो पी लिया हमने। 500 रुपए की सॉरी 500 रुपीज इंटू 4 तो 21 रुपए की चाय तो हमने पी ली। तो अभी चाय पत्ती का प्राइस देखते हैं और चाय पत्ती खरीद। आप चाय पहले पियोगे ना तो आपको तभी ऐसा लगेगा तो नॉर्मल चाय बट आफ्टर टेस्ट उसका बहुत अच्छा। हाँ तो एकदम अच्छा तो लगा हमको। सैफ्रन का लिया था हमने, सैफ्रन फ्लेवर लिया था। तो अभी चाय पत्ती देखते कौन सा बेस्ट फ्लेवर है। तो एक आधा आधा किलो एक एक किलो ले लेते। ये रहा गोल्डन टिप्स। तो ये है चाय पत्ती का शॉप। चिंतामणि टी की शॉपिंग कर रहे हैं अपने लिए और अपने फैमिली के लिए। वो 1.5 किलो टी ले रहा है। 150 ना 1 किलो मतलब उतना हो गया हमारे पास। मत रहे तो हमने मसाला टी लिया। कौन सा फ्लेवर? विमल फ्लेवर चाय पत्ती से बोलो जो फिर R&D भी रहेगा। भैया भी बोल रहे सुबह किसने देखा कि लेके आना चल आ जा। तो ये टी का शॉप है। इतना बहुत सारा गुलाब सब गुलाब भी है और बटरफ्लाइज भी है यहाँ पे। हिबिस्कस ब्लैक भाई नाम ले ले
एक ही हो गया ना आधा किलो का ही 250 ग्राम वही मैथमेटिक्स में फेल हुआ था और एक और आधा किलो चाहिए उसको और एक गाइस हमारा लड़का और एक आधा किलो बोल रहा है और एक आधा किलो बोल रहा है भाई क्या होगा भाई तेरा क्या कैसा करेगा भाई तू सब जिंदगी में कैसा पटेगा तेरा कैसा तीपन मतलब पटली हंसती चा पांच आ भी गाइस यहां जो हमारा जो मैनेजर है हमको जो जो दिखा रहे हैं वो भी हंस रहे हैं यार ये लड़का क्या मतलब है समझत नहीं इतना का आगे अच्छा चाय पत्ती का भी समझ ना दूला और उनको डिस्टर्ब मत करो और एक आधा किलो नहीं फिर से बोल मत और एक आधा किलो दो हम पहुंचते भाई पुणे तू आ जा और एक किलो का और बिल एक लेने का है क्या लेने पून, अरे पून पुटला है एक किलो का भाई तू एक भाई क्या रखेगा किधर इतना है भाई तू तेरे को पिछ में बैग आए मैं आन ली ली तेरे को और एक बैग खरीदना पड़ेगा भाई आए माजे कट वाली चाय बनने के लिए तेरे को फ्लाइट से उतर देंगे भाई फ्लाइट से तेरे को उसको अच्छे से समझा दीजिए नहीं तो 10,000 बिल हो जाएगा बोलेगा नहीं लेना है कुछ भी वन केजी का कितना एक ही ठीक है इस चिंतामणि का चाय पत्ती का बिल हो रहा है देखते कितना फटता है तेरा 2470 का ये सबका ना 4-5-6-7-8 ठीक और इसका ऐड हो गया टोटल कौन सा बोला आपने चाय 90,000 पर केजी भाई क्या कर रहा उसको चाहिए पैसे अच्छा सर अभी इसका कर दीजिए मेरा वाले पहले इसका मेरे से हाँ ठीक है कर दीजिए तो गाइस मुझे थैला पकड़ा दिया चाय का तो अभी ये पैसे दे रहे हैं और ये सारी चाय मैं लेके जाऊँ बराबर वो तो 10,000 की चाय भी ले लेंगे भैया ने 3-4 डेमो दिखा दिया ना पूरी वो ले भी लेगा मेरे के लिए चाय ले लिए फिर वहाँ जाके बेचेगा भाई वो वहाँ जाके मुझे लगता है इसका प्लान है कि वो ब्लैक में बेचेगा 250 रुपये तो ऊपर लेगा ऐसा मुझे लगा देख ले कलर फाइन है छोटे अच्छे से बात कर गाल ना लाता चिंतामणि किसके लिए ले रहा है हाँ चिंतामणि चल झूठे बेन के लिए चल झूठे चांगले वाटले कुठली बहिणी दाखव फोटो दाखव बहिण का त्यावरून करे नाही मस्करी नाही साइज कळेल आम्हाला त्यावरून कुठली साइज पाहिजे हा बोला ना नरेंद्र अरे तो थोडी शॉपिंग करतोय रे थोड़ी शॉपिंग करते 10,000 फूक दिया बंदे ने अरे थोड़ा सांग ना एडजस्ट करा ले हम ये तो 15-20 मिनट देते थोड़ा आइटम है आइटम के लिए शॉपिंग करा झूठ बोलता है कितना 1200 फाइनल ये नहीं ये नीचे कल के लिए गिफ्ट है ना गर्लफ्रेंड के लिए कलर है क्या इसको अब ये कलर राजा है ए रानी है ये रानी अभी इसमें कोट तो ना परी राजा नहीं ना परी फ्रेश है ना उसे वो खुद हमारी रानी है तू मेरी दूसरी रानी है ये सुंदर है सुंदर है हाँ नहीं ये सुंदर है क्या पूछ रहा हूँ ये सुंदर दिखता है क्या नहीं सुंदर लोग मेरा लॉट सुंदर
चिंतामन ने अपने गर्लफ्रेंड के लिए लिया है जैकेट, गर्लफ्रेंड बहन बोलता है और गर्लफ्रेंड के लिए जैकेट लेता है, है ना? इसने ये अच्छा पहना है ना? हाँ, ये ना, थैंक यू सर, थैंक यू। हीरो है हमारे पुणा में, ओ चेवला पुणा में अपना हीरो है। बंगाली है बोल रहा है? हाँ? नहीं, ये बंगाली है, पर वो हीरो है। पुणे में रहता है हम लोग, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ओ ये बिग गाना गाता है, स्कैनर है कसके, बिग बॉस का, बिग बॉस एमसी, वो जो असिस्टेंट है ना, एमसी स्टैंड, हां ये असिस्टेंट है हमारा, स्टैंड नहीं, वो एसटी स्टैंड है, एमसी स्टैंड। ओ एमसी स्टैंड कितने देखेगा, हजार है, हजार हम तो रंगील है, आईफोन यूज कर दो, आपका फोटो देखो पुराना, अभी पतल लोग सेकंड नाम नहीं खेला, आया था स्कैनर दीजिए ना आपका, उठा लो भाई, उठा लो भाई, 300 ले ले कर, हजार हजार में भी हो जाएगा, 300 महाराष्ट्र में ये भाषा ही किस्ता है, किस्ता है। ये देखो 15 लॉक कर रहे हैं, ये 14 प्रो, 14 नहीं है, 14 है, 13 है, 13 है, 13 मगर जहा देखो कुछ भी करता है, तू एसटी स्टैंड है, बस स्टॉप है, हक देता है साला, हो गया बस, ओके हम तो देखते भी नहीं, नहीं नहीं देख लो, देख लो, ट्रस्ट है हम पे यार, पैसा खाली जिंदगी नहीं आती, यस एकदम राइट, पैसे तो कमा लेंगे, एंजॉयमेंट मेन है, मनी इज नथिंग, मनी इज नथिंग, मनी किसी का नहीं हो पाएगा, इसका नाम क्या पता है, इसका नाम चिंता मणि, हमारे हिंदी में चिंता मणि सॉन्ग मींस चिंता और मनी दोनों करता है, ये बहुत पैसे वाला, बहुत पैसे वाला, बहुत पैसे, ये मूंछ है ना, हां मगर हम लोग ना डिसिप्लिन में नहीं होगा, मगर हम लोग फोटो में हम लोग अच्छा है, पर वो कैसे पता है, मूंछ अच्छा है उसका पर क्लीन नहीं रखते वो, फट गई पूरी। चिंतामणि ने तो बहुत शॉपिंग की, चिंतामणि का तो मस्त शॉपिंग हुआ है, चिंतामणि ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक जैकेट लिया है जो हम आपको थोड़ी देर के बाद एक दिखाएंगे, नहीं दिखाना नहीं है, वो उसके गर्लफ्रेंड के लिए लिया, वो देख लेगा हमको क्या कर रहे हैं, चारों के साथ सेल्फी निकाली की हम लोग बहुत अच्छे बंदे, इसलिए वो बोल रहा था की हमको की हम सिर्फ, मैं सिर्फ लड़कियों के साथ फोटो लेता हूँ, अंकल बहुत रंगीले थे, तो रंगीले रंगीले में हमने उनको रंगा दिया, तो फिर हम फिर मस्त सेल्फी ले लिया उन्होंने हमारे साथ, खुश हो गए अंकल हमारे साथ, मस्त मजा आया भाई शॉपिंग करने, हमारे लिए तो किया नहीं, हमारे बहन और मम्मी को लिए हमारे लिए एक भी चीज़ नहीं है भाई, ये चिंतामणि ने अपने गर्लफ्रेंड के लिए किया, हमने हमारे फैमिली के लिए किया, बस मजा आया। चलो अभी हम होटल की तरफ बढ़ते, फिर रूम में जाते, रूम में फ्रेश होके फिर खाना खाने जाएंगे, यो बच्चे बहुत गंदे है, ये चिंतामणि सबसे गंदा है, पूरे दार्जिलिंग और गैंगटॉक में इसने बस लड़कियां ताड़ है यार सामने, हम लोग सिंगल है तो भी हम लोग ने इतने सारे खरीदे की, बहुत बहुत शॉपिंग है, तो सोचो हम लोग की शादी होने के बाद तो क्या होने वाला हाल, एक एक लाख पकड़ना पड़ेगा, उस हिसाब से कमाना पड़ेगा, चाय पत्ती ली इसने किधर गए, वो देखो इसमें 10 लाख 12,000 में ट्रिप लो और 1 लाख खर्चा कर लो, तो ये बढ़िया सीन है हमारा, तो सोचो अब कितने अमीर हो गए, अमीर नहीं है भाई, फट रही है भाई, इतने खर्चा होगा अभी भरेंगे कैसे, वो नहीं भाई अभी उधर जाके छापने का है भाई, अनुपम तो छाप लेगा हमारा, पता नहीं वो छापेगा नहीं, अनुपम एक एप्पल का चार्जर भाई 3,000 को बेचता है, पता है 1900 का चार्जर 3,000 में हो गए, उसके एक जैकेट के पैसे निकल गए, सुबह के 9 बजे
हमको सबको उठा के ये जी गाइस उठो 3:30 बजे 3:30 जाना है जाना रुक खुद सो गया वापस और क्या बोल रहा है नींदर नहीं थी नींदर नहीं थी था इसे नींदर नींदर आ गई सर ये हमारा देखो चुंगी बने ओए चुंगी बने क्या करती है इसका गुड मॉर्निंग क्या गुड मॉर्निंग नींदर खुला के रूम में थे नींदर तो भाई सुबह के 4 बजे टॉप रोड पूरा अंधेरा ही अंधेरा है और हम लोग निकल रहे हैं टाइगर पॉइंट देख ले क्या अंधेरा है बुलेट प्रसाद गढ़ से प्रसाद बाबू रहे मन ना भाई जेड़ा चाहिए दूसरी थे गाड़ी निकल रहे हम लोग यो स्लो स्लोली स्लो स्लोली स्केट होगी ले उतर बस ले हेलमेट हम कहाँ जा रहे हम लोग जा रहे हैं दिवाली पार्ट सारे दिवाली पार्ट सारे सुबह 4 बजे 2 डिग्री सेल्सियस है सुबह के 2 डिग्री सेल्सियस में गाड़ी एम्प्टी 3 डिग्री सेल्सियस 3 पहाड़ में ऊपर उधर तो माइनस में हो जाएगा मेरे को लग रहा है ऑफ कर इधर से ऑफ कर गाइस हम लोग निकल गए टाइगर एक पॉइंट देखने के लिए सुबह के 4-5 बजे है लोग अपने गाड़ी में जा रहे हैं अपने दो जो दो कार आइटम्स फुल सनसेट देखेंगे हम लोग विषय खोल पृथ्वी खोल वीडियो देखते थे तो गाइस भाई हम लोग चांदी दिख रहा है चांदी होगा क्या पता हम अनएक्सपेक्टेडली बहुत जल्दी आ गए हमको इधर लाओ ले इधर इधर लाओ इधर बस मैं उल्टा होता मैं उल्टा तो हमको लगा था कि हम लोग लेट हो रहे हैं हम लोग इसलिए हम लोग 4:30 बजे निकल गए थे तो यहाँ पे हम लोग आधे घंटे में पहुंच गए गूगल मैप में दिखा रहा था 1.5 घंटा 20 किलोमीटर अभी तो देखो अभी तो ऊपर चांदी है फुल चांदी दिख देखो धुआं देखो मुंह से आज दिखने वाला है क्या फॉग नहीं है भाई आज शायद दिखने वाला है सनराइज अपने को तो कैसा लगा आपको गाड़ी चलाई गाड़ी चलाई कैसा लगा आपको बहुत बढ़िया लेकिन हाथ की पूरी बैंड बज गई ये अंगूठे की लग गई अरे हाँ ये क्लच है ना मैं कैसा लगा गाइस बहुत ठंड है पहली बार धुआं छोड़ तो गाइस देखो टाइगर हिल पे हम पहुंच गए तो ये देखो सनराइज ऑब्जर्वेटरी दिख रहा है तो यहाँ पे भीड़ देख सकते हो पब्लिक का बहुत ही गर्दी है ना बहुत गर्दी है गाइज आपको दिख रहा होगा थोड़ा येलो येलो ब्लू ब्लू शेड दिख रहा है तो सनराइज होने ही वाला है अभी थोड़ी देर में बाप रे भीड़ को देखो भाई भीड़ देखो सनराइज देखने के लिए दिवाली पार्ट तो गाइज हम लोग सारस बाग में आए दिवाली पार्ट देखने सुबह के 4:30 बजे और ये है दार्जिलिंग का सारस बाग ये है दार्जिलिंग का हनुमान टेकड़ी और इधर से हम जाने वाले गणपति पुरे तो गाइज सुबह हो गई है बहुत कम है देखने के लिए ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत ही फॉग हो गई है शायद नहीं दिखेगा सनराइज पब्लिक देखो कितना है हो गया कल्याण प्रसाद सनराइज देखने को पब्लिक देखो कितने आई है और ये देखो सनराइज सनराइज बोल लो भाई सनसेट देखने को पब्लिक कितने आई है देखो ये सनराइज देखो ये सनराइज किधर है तो गाइस हम लोग सनराइज देखने आए थे हमारा सेट हो गया टाइगर हिल पे तो कुछ दिखा नहीं भाई इतना फॉग है ना कांचनजंगा दिखा ना सनराइज दिखा गंगा नहीं है भाई गंगा है कंचनजंगा हाँ गंगा भाई गंगा इधर किधर आएगा दार्जिलिंग में तो देखो भाई
पूरा फॉग ही फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे कांचनजंगा है, यहाँ पे सनराइज होने वाला था तो कुछ हुआ तो नहीं, तो वापस जा रहे हैं होटल पे, वापस जाएंगे होटल पे और निकलते। तो गाइस देखिए हल्लो हल्लो आ रहा है सन ऊपर, हम निकल जा रहे थे तो एक आंटी ने बोला रुको रुको सनराइज होने वाला है, तो हम रुक गए। देखो ऑरेंज ऑरेंज सूरज दिख रहा है ना, तो गाइस हम चले जा रहे थे, सनराइज नहीं होगा नहीं होगा, हमको लगा कि नहीं होगा इतने फॉग की वजह से। तो एक आंटी ने हमको बोला कि रुक जाओ फॉग चला जाएगा, अभी सनराइज आपको क्लियर दिखा। तो हमको सनराइज इतना क्लियरली दिखा, इतना मतलब पॉइंट से एंड तक उठते हुए पूरा दिखा है, तो बहुत मज़ा आ गया सनराइज देख के। आपको पूरा सन दिखा तो हम वीडियो में टाइम लैप्स में आ जाएगा। और ये देखो हसमुख, आज मजा है, अनएक्सपेक्टेडली हो गया, सेटल हो गया। आंटी ने बोला, आंटी ने बोला कि रुक जाओ इतना टाइम आया तो क्यों जा रहे हो। आंटी के वास्ते हम चार कॉफी एक्स्ट्रा लेंगे लेंगे लेंगे। किधर गए आंटी भी? ये देखो सनराइज, अब पे दो भैया कॉफी, मस्त आ गया, मस्त मजा आ गया। अच्छी वीडियो बना रे, ऐसे बोलो ना, मून पने और सन साथ में, मून भी है कितना, तो साथ मून भी है। मैडम देखिए गाइस, तो गाइस हम लोग कॉफी पी रहे हैं सनराइज देख के। हेलो फ्रेंड्स, कॉफी पी लो। पूछ 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 ना भाई, अरे नीचे देख पूछ। अरे असलो को दाग लग गए, दाग अच्छे, दाग अच्छे होते मराओ दे। मैं वीडियो निकालते निकालते मेरे जैकेट पे कॉफी गिर गया, सब मुख चिंतामणि के हो। आज से निकल के लो, ये काय के ले रे बाबा, ये हो गया डार्क साफ हो गया, हो गया। हां दोनों का थोड़ा थोड़ा दोनों। हमने सनराइज देख लिया गाइस, बहुत मस्त लगा था, ऐसे लग रहा था अंडे का अंदर वाला जो योक होता है ना, वैसे सेम लग रहा था जब जब ही वो राइज हो रहा था। हमारा 3 डिग्री में सुबह आने का वो सफल हुआ भाई। सुबह हम 3 डिग्री में आए थे, आप सोचिए गाइस यहाँ कितना ठंड होगा, और हम यहाँ कुछ 4 बजे से आके रुके थे, राइट ना? हाँ, चार साढ़े चार, साढ़े चार बजे से आके हम रुके थे। तो जगह का नाम है टाइगर हिल, टाइगर हिल नाम है दार्जिलिंग में। यहाँ से सनराइज और कांचनजंगा दिखते हैं, पर वो अभी दिखा नहीं फॉग के वजह से हमको, तो चलिए उसका कुछ कर तो नहीं सकते। तो चलो हम जा रहे हैं अभी होटल पे, अभी फ्रेश होके फिर हम लोग निकलेंगे थोड़ा साइट सीइंग करके, फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के। तो गाइस हम होटल में लौट आए और हमारा हो गया घूम के नीचे सब हो गया। तो ये देखो हम लौट आए, दिखा किलोमीटर कितना हुआ हमने एमटी में पूरा मिला के। खुल जा सिम सिम, 89.8 मतलब समझो 90 किलोमीटर चला लिया, बुलेट में दिख रहा है उतने भी उतना ही चला होगा, हमारे साथ ही था वो। तो
बहुत मजा आया घूम के। अभी हम गाड़ी पार्क करके फिर होटल में जा रहे हैं। देखो 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 ये देखो इन लोगों के एड़े चले देखो। तू नहीं जीत पाएगा ना मेरे साथ। दे उसको दे दे उसको पीछे से दे। खुल ले भाई पेन खुल पेन खुल पेन खुल पेन खुल पेन खुल। तू नाड़ा पन्ना मान लगा बांधा नहीं है। कॉल ना नुपम कॉल ना नुपम कॉल जल्दी कॉल करके जल्दी पकड़ के रखा इसको। तो गाइस आज हमारा लास्ट डे है। हम नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे दार्जिलिंग में लास्ट टाइम। तो इसके बाद हम लोग पैकिंग वैकिंग करके होटल से चेकआउट करने वाले। तो ये रहा नाश्ता, पूरी भाजी, पोटैटो स्टिक, पोहा, लेमन जूस और ये खा रहे किलो चौकस चौकस चौकस। कैसा लग रहा है पूरी भाजी? अच्छा है क्या? जबरदस्त। तो तेरा डायलॉग बोल दे। सावधान रहे हो सटर पे। कहानी सुनो एक बार दस बार कहानी सुनो कितना ऊपर चढ़ा चड्डी देखना उसका लावणी कैसे करता है। करेगी डोका खुले हम में मम्मी को झूठ बोल के छावे के मकान पे पापा ने पकड़ा तुझे दारू के दुकान पे इससे ज्यादा बोलूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा जान दे। करेगी डोका खुले हम में मम्मी को झूठ बोल के छावे के मकान पे पापा ने ज्यादा बोलूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा जान दे। करेगी डोका खुले आम में मम्मी को झूठ बोल के छावे के मकान पे पापा ने पकड़ा तुझे दारू के दुकान पे इससे ज्यादा बोलूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा जान दे। ध्यान दे आज लोग मुझे पहचान दे तेरे छावे से ज्यादा करने वाले रखने जान नहीं लेने वाला मैं तेरे ले जान दे तेरे बिना जिंदगी में खत्म हुए बांधे मेरे खत्म हुए बांधे मेरे खत्म हुए बांधे ऐसा नहीं कह रहा वो सारी बंदी गलत है बस मेरा जिससे पाला पड़ा उसका सोच अलग है कड़क है जो मिली मुझे रिसेंटली नॉट ये सिर्फ मेरे लिए दुनिया के लिए डिसेंट सी बंदी फैशनेबल ट्रेंडी नहीं चाहिए प्राड़ा या फेंडी तू सिंपल में क्यूट है शक नहीं करूंगा तेरे पे तू फुल शूट है लूट लगे लिए बेबी आजा फिर से लूट ले जैसी बंदी चाहिए थी तू वैसी दिख रही है सोल में थे सामने तेरे चैटिंग में क्या लिख रही है क्या तो दिख रही है कोई भी देख के घायल है मॉडल पर खूबसूरत पैरों पे तेरे पायल है आयल है दिल मेरा तेरे पे मचान ले तू मेरे रात को उजाला कर देती चांद ले तू तुझसे प्यार कितना करता हूँ पहले जान ले तू सब मेरे पीछे लेकिन मेरे डिमांड में तू करेगी डोंगा खुले आम में मम्मी को झूठ बोल के छावे के मकान पे पापा ने पकड़ा तुझे दारू के दुकान पे इससे ज्यादा बोलूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा जान दे। करेगी डोंगा खुले आम में मम्मी को झूठ बोल के छावे के मकान पे पापा ने मुझे सिर्फ
तेरी हंगर है, तेरा प्यार मेरे लिए अगली गहरा समंदर है। मम्मी को झूठ बोल के छावे के मकान पे, पापा ने पकड़ा तुझे दारू के दुकान पे, इससे ज्यादा बोलूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा जान पे। करेगी रोका खुले आम में, मम्मी को झूठ बोल के छावे के मकान पे, पापा ने पकड़ा तुझे दारू के दुकान पे, इससे ज्यादा बोलूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा जान पे। शॉर्ट हो जाएगा जान पे, शॉर्ट हो जाएगा जान पे, शॉर्ट हो जाएगा जान पे। अभी वे बंडा है मालूम है ना, बचा दे रो हिसाब।
सांभाळून ठेवता येत नाही आणि मग रडत असतो 1800 रुपये आणि 2000 रुपये. कुठे गेलतीस हा छमिया? हेडफोन नच सांभाळते तुला छमिया. पर हम लोग फिर से बाहर निकले थे मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, तो क्या हुआ एकदम चीप मार्केट है, मजा नहीं सस्ता हुआ आपको सबको. नीचे आया मार्केट में तो हमने देखा जैकेट, ये जैकेट बोल रहा था 100 का 100 का 100 का, तो हमने 4 जन मिला के 22 जैकेट लिए 100 के, और उसके लिए अलग से बैग करना पड़ा, बैग करना पड़ा, एक्स्ट्रा करना पड़ा, ये एक बैग और ये एक बैग एक्स्ट्रा अलग से करना पड़ा. तो अभी ये बैग एक्स्ट्रा हो गए, 22 जैकेट लिए भाई, अब 4 लोग रखे. तो गाइस हमारा पैकेज था, आपको कल ही बताया, जो पैकेज था वो तो आपने सुन लिया था, और हमने इतना जो खर्चा किया उसका डबल हो गया. तो सोचिए 2200 रुपए के 22 जैकेट लिए, 100 रुपए का एक जैकेट लिया हमने. और ये देखिए ये भी रोज पहनेंगे एक एक करके, और ये भी देखिए 50-50 रुपए करके जैकेट से, ये देखिए लेडीज के लिए. भाई क्या खर्चा, क्या शॉपिंग किया हमने, मजा आ गया. 50 रुपए नहीं बस हो गया, मैं और बस हो गया, बैग में जगह दो बस यार भाई, जगह नहीं है बैग में. तो गाइस हम लोग आए फेमस होटल में, तो उसका नाम है कुंगा रेस्टोरेंट, बहुत फेमस है ये, मतलब यहाँ पे फेमस मोमोज और ये ही मिलता है. बोल कुछ क्या देख, ये फेमस है, तूने ये व्लॉग में नहीं देखा था? ये नहीं देखा था. ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है कुंगा रेस्टोरेंट, इसका टेस्ट बहुत अच्छा, इसलिए बहुत लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए. हम आपको खा के बताते हैं कैसा है. तो गाइस हम लोग आए कुंगा रेस्टोरेंट में, दार्जिलिंग का गांधी रोड पे सबसे फेमस रेस्टोरेंट है, बहुत टेस्ट अच्छा है इसका, भी हम ट्राई करने वाले, देखते कैसे लगता है. ये रहा मेन्यू कार्ड, और कैसे लगता है खा के देखते. यहाँ पे चिकन वेज दोनों भी मिलता है, सही लगता है एकदम दोनों. चलो टेस्ट कर, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे थे कि कुंगा रेस्टोरेंट सब लोग बोलते थे कि विजिट करना तो इसलिए हम लोग कुंगा रेस्टोरेंट आया था, देखते कैसा लगता है. तो कुंगा रेस्टोरेंट का चिकन मोमोज देख सकते हैं भाई, हाथ मैं खा रहा हूँ ना, तेरे को थोड़ी दे रहा हूँ. तो ये एक और है चिकन, मैं खा रहा हूँ आके हमको पता था कैसा टेस्ट. सो गाइस जो मोमोज का टेस्ट है एक नंबर लग रहा है, थुक्पा और मोमोज एक नंबर, स्टीम मोमोज भी एक नंबर लग रहा है, मस्त लग रहा है. हमारा अभी चेकआउट हो रहा है, हम लोग होटल से निकल रहे हैं, हमारी पैकिंग वैकिंग हो गई थी, हम पैकिंग कर रहे थे, तो अभी पैकिंग हो गई, अभी हम बैग लेके निकल रहे हैं, लंच वंच कर लेंगे, फिर लंच करने के बाद 3 बजे हमारी कार आएगी, कार में लगेज डाल के निकल जाएंगे. लास्ट टाइम देख लो ये व्यू. तो गाइस हम लोग होटल से ही व्लॉग एंड कर रहे हैं, तो अभी हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं, हम लोग अभी निकलेंगे, तो हमारा 4 रात के 11 बजे ट्रेन है, तो अभी हम व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं. तो हमको बहुत मजा आया घूम के, हम लोग 7 दिन बहुत एंजॉय किए गैंगटॉक और दार्जिलिंग में, बहुत मजे किए, बहुत फोटोज निकाले, बहुत वीडियोज निकाले, और आपको ये व्लॉग देख के भी बहुत अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बोलो अभी आगे सावधान रहिए और सतर्क रहिए. यो बाय बाय, फ्यूचर ऑन बेबी, बाय बाय.